उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, क्या आप उसके सामने उपस्थित रहते? क्या आप टीवी के सामने उपस्थित रहते दिन और रात? कुछ लोग टीवी के सामने ज्यादा उपस्थित रहते हैं परमेश्वर के सामने रहने से, तो आपकी लाइफ में टीवी स्पिरिट आ सकती है, होली स्पिरिट नहीं। आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको 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 सेक्रीफाइसेस बलिदान करना पड़ेगा, उन सब चीजों का जो आपका शरीर मांगता है, उन चीजों को देखने के लिए जो डिवाइन है, जो ईश्वरीय है, जो हेवन डिजाइन करता है आपकी लाइफ में। आप तैयार हैं क्या? अगर आपने सेक्रीफाइस नहीं किया उन चीजों का, तो फिर आम क्रिश्चियंस की तरह, आम लोगों की तरह हम भी चर्च में आएंगे, खुदा बंदे काम देखेंगे, दो चार काम करेंगे, चले जाएंगे और उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन जो काम वो मेरी जिंदगी में कर रहा है, लोगों की जिंदगी में कर रहा है, वो सेम काम आपकी लाइफ में वो करना चाहता है। डैनियल ने कैसे पाई? छोटी छोटी बातों में भी उसने परमेश्वर का दिल कभी नहीं तोड़ा। आज आप आराम से झूठ बोल लेते, कहते कहां आ गए, मैं जी आ गया जी नकोदर चौक और अभी फुटबॉल चौक। ये भी आपको छोटा झूठ लगता है, मेरे लिए ये बड़ा झूठ है। अगर आप थोड़ी चीजों में फेथफुल नहीं, आप बड़ी चीजों में फेथफुल कभी नहीं हो सकते। अगर आपकी बात सीधी सीधी नहीं, हां की हां और ना की ना नहीं, आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। अभी भी अगर आप गेम्स खेलने वाले, अभी भी अगर आप मैनिपुलेट करने वाले, अगर अभी भी आप लोगों के मुंह पे और पीछे कुछ हो रहे हैं, तो आप पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं हो सकते। आपको क्लीन लाइफ रखनी है, सीधी लाइफ रखनी, ताकि होली स्पिरिट आपको अपने आप से भर सके और अपनी महिमा के लिए आपको यूज कर सके। हालेलुया। जब 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 परमेश्वर का कोई अगुआ, आप जानते हैं, आप रात को सोते हैं, सोते क्या नहीं, और मैं रात को जागता हूं, और आप मालूम कि मुझे भी दिल करता है सोने का, टीवी देखने का, और नहीं सीरीज आई है पर मैं नहीं देख पाता, नहीं सो पाता, लेकिन जब मैं संडे आता हूं और रिजल्ट देखता हूं, मुझे खुशी होती है कि मैं नहीं सोया। अभी जो चल रहा है कि मेड अस किंग्स एंड प्रीस्ट, उसने हमें राजा और याजक बनाया, आज वो प्लानिंग परमेश्वर की आपकी लाइफ में है, हर उस व्यक्ति की लाइफ में जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया और उसके बाद वो उसी तरह परमेश्वर के नाम में चलता रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ग्रोथ, तरक्की, ब्लेसिंग्स इस बात में नहीं कि आप बाइबल को कितनी गहराई से जानते हैं। कुछ लोग बाइबल को बहुत गहराई से जानते हैं लेकिन उनकी सेवकाई जीरो के बराबर है। कुछ लोग बहुत कोशिश करते हैं टीचिंग, बाइबल की टीचिंग से, इधर से पढ़ के उधर से पढ़ के प्रचार करने की, लेकिन वो मेन एसेंस, मेन चीज वो भूल गए, परमेश्वर की प्रेजेंस को। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपकी लाइफ में होती, आप एक सिंपल वर्ड को भी एक मास्टर टीचिंग में बदल सकते हैं। आपके द्वारा बोला गया सिंपल वर्ड भी ऐसे लगेगा जैसे आपने बहुत बड़ी आज टीचिंग दी, और लोगों के हृदय में वो वर्ड घुसेगा, क्योंकि बाइबल कहती तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोग, ऐसे पास्टर्स भी हैं जो पाप में, लेकिन जब बाइबल सुनाते तो बड़ी गहरी होती लेकिन असरदार नहीं होती, वो लोगों को छूती नहीं, हां प्रभावित कर सकती है मेंटली तौर के ऊपर। जिस तरह आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं और प्रभावित होते हैं और उनकी कुछ चीजों को आप अपनी लाइफ में लागू भी करते हैं, लेकिन लाइफ चेंजिंग आप तभी देख सकते हैं, अपनी लाइफ को चेंज होता हुआ, और लाइफ चेंजिंग टीचिंग आप तभी ले सकते हैं और तभी दे सकते हैं अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस में हों, अगर आप पाप से दूर हों, अगर आप परमेश्वर के साथ बैठने वाले और खड़े होने वाले और साथ फेथफुल रहने वाले इंसान हों। आज आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा, वो आपके लिए, आपने शायद वो पहली बार सुनी होंगी। मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने कहा कि मन फिराओ, और उसके बाद क्यों मन फिराना, ताकि परमेश्वर अपनी प्लान को, जो उसका आपको हाईएस्ट प्लेसेस के ऊपर बिठाना है, वो पूरा हो सके। अब मेरे को यह मालूम है कि परमेश्वर का प्लान क्या है, अब मेरे को परमेश्वर का यह मालूम है कि उसने मुझे मन फिराने के लिए क्यों कहा, अब मुझे यह पता है कि परमेश्वर ने मुझे
एक बड़े प्लान के साथ बुलाया। अब मुझे ये मालूम है कि मैं किंग और प्रीस्ट की तरह बुलाया गया हूं। अब मुझे पता है कि परमेश्वर का जो माइंड सेट है मेरे लिए, जो योजना है परमेश्वर की, वो बड़ी है। अब मुद्दा यह है कि उस योजना को मैं पहचानूं कैसे, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल कहती है हर एक व्यक्ति को अलग योजना दी। मेरे हाथ के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं आपके हाथ से। इस दुनिया में शक्लें मिल सकती है लोगों की, लेकिन फिंगरप्रिंट्स कभी नहीं मिलते, उनके जीभ के निशान कभी नहीं मिलते। ऐसा क्यों? अगर मैं आपको ड्राइंग करने के लिए बोलूं कि अच्छा ड्राइंग करो और 100 अलग अलग चेहरे बनाओ, मैं आपको दावा करता हूं आपको मुश्किल हो जाएगा। आप सोचने लग जाएंगे 100 तक आते आते कि एक अलग अलग 100 चेहरे में कैसे बनाऊं। लेकिन परमेश्वर देखो, जिसने करोड़ों चेहरे बनाए और करोड़ों फिंगरप्रिंट्स बनाए, लेकिन एक भी फिंगरप्रिंट सेम नहीं। इसी तरह आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल भी सेम नहीं, इस तरह आपकी बुलाहट भी सेम नहीं। आपके अंगूठे का निशान अगर सेम नहीं, किसी से मिलता नहीं, उसी तरह से आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल भी किसी से मिलती नहीं। आप यूनिकली फॉर्म किए गए हैं, आप अलग तरह से बनाए गए हैं, और परमेश्वर का प्लान भी आपकी लाइफ में अलग है। इस प्लान को समझना कैसे, ये अब मुद्दा है। ये एक सबके लिए, सबकी जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि पवित्रता में रहो। लेकिन पर्सनल लाइफ में, जिस तरह पौलुस से परमेश्वर बात करता था कि तू ब्रितानिया में मत, तू इधर मत जा, एशिया में मत जा वचन सुनाने के लिए, जो कि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा था तुम जाओ और सब जातियों को चेला बनाओ और सब जगह सुसमाचार सुनाओ। तो ये वचन तो था कि सब जगह सुसमाचार सुनाओ, सबके लिए था। लेकिन पौलुस की लाइफ में एशिया में वचन सुनाने से होली स्पिरिट ने उसे मना किया। सोचो अगर पौलुस वहां पे वचन सुनाने के लिए जाता तो क्या हाल होता। रूहें ना बचती, सामर्थ काम ना करती, चिन्ह और चमत्कार काम ना करते, और पौलुस के दिल में शैतान ये डालता कि परमेश्वर तेरे साथ नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये कि पौलुस ने तो सुना ही नहीं परमेश्वर की बात को। आज कुछ लोग वहां सेवा कर रहे हैं जहां परमेश्वर ने उन्हें भेजा ही नहीं, फिर वो 3 महीने, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद निराश हो जाते, बोलते हैं कि क्या चक्कर है। क्योंकि ये चीज को पहचानना कि मैं किस सेवा के लिए पैदा हुआ हूं, ये चीज कुछ लोगों के लिए इंडिविजुअल मिनिस्ट्री बनी नहीं, लेकिन मन की इच्छा, इन्फ्लुएंस्ड होना किसी की ब्लेसिंग को देख के। इसीलिए मैं कहता हूं आपको ये समझना है कि परमेश्वर की मेरी लाइफ में प्लानिंग क्या है, और उसी प्लानिंग के नीचे आपकी सारी ब्लेसिंग। उसने कहा जिस परमेश्वर के सामने मैं उपस्थित रहता हूं, क्या आप उसके सामने उपस्थित रहते? क्या आप टीवी के सामने उपस्थित रहते दिन और रात? कुछ लोग टीवी